वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत गुलेरिया थाने के पुलिस ने ब्लड का अवैध कारोबार करने वाले 6 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान महाराजगंज जनपद के रहने वाले केशव देव, वसीम खान, मोहम्मद रफीउद्दीन, रजनीश यादव, सबातुल्लाह उर्फ अब्दुल व रामाशीष के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया, माफिया एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध एसएसपी गोरखपुर सर द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत थाना गुलरिया पर आज एक गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह अभियोग गैंग लीडर केशव देव व उसके 5 अन्य साथियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। ये लोग जन सामान्य को एवं भोले वाले लोगों को बहलाकर फुसलाकर उनका ब्लड निकाल लेते थे और उसको बेच करके अवैध संपत्ति अर्जित करते थे। इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई